ऐतिहासिक मुंबई का सरदार गृह। सरदार गृह 1898 में स्थापित मुंबई सिटी जिला में एक गेस्ट हाउस था। बाद में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का घर बन गया, जो मुंबई की अपनी यात्राओं के दौरान यहां ठहरते थे। लोग कर रहे सरकारी संरक्षण की मांग। मुंबई न केवल देश की आर्थिक राजधानी है, बल्कि आर्किटेक्चुरल विरासत का एक धनी शहर भी है। अरब सागर के तट पर बसे इस शहर की समृद्धि में इसके पूर्ण बंदरगाह का बहुत योगदान रहा है, जिसके माया नगरी की अर्थव्यवस्था को शुरुआती अवस्था से ही बढ़ने की अनुमति दी। यहाँ तक कि 1680 के दशक के अंत में ये पोर्ट सिटी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बन गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे राष्ट्र की कल्पना को प्रभावित करता था, सरदार गृह के बाहरी हिस्सों पर लिखा गया था, जिसका एकमात्र संकेत यह है कि यह जीर्ण भवन है वह स्थान जहां लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम सांस ली थी। बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस मुख्यालय के सामने क्राफ्ट मार्केट है, जिसके कोने में सरदार गृह नाम की इमारत है। किसी समय शहर आने पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसी घर में ठहरते थे। इमारत में तिलक को समर्पित कुछ कमरे हैं। इसके अलावा परिसर में कुछ दुकानें और व्यापारिक संस्थान हैं। सरदार गृह को सरकार ने खरीदना चाहिए, उसे अच्छी तरह से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए और भारत देश को समर्पित करना चाहिए। वो लोकमान्य तिलक थी जिन्होंने सचमुच ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जो लड़ाई लड़ी, एक योद्धा थे, एक लायन थे देश का, एक अभिमान था देश का। ऐसे ही वहाँ व्यक्ति वहाँ सरदार गृह में थे, तो वो सरदार गृह को ध्यान में रखने के लिए हमें उसके जिंदा रखना जरूरी है। आपको बता दें कि लोकमान्य तिलक स्वराज भूमि स्मारक ट्रस्ट के प्रमुख प्रकाश सिलम ने मांग की है कि सरदार गृह की ऐतिहासिक अहमियत को देखते हुए सरकार को इसे अपने कब्जे में लेना चाहिए और इसे स्मारक में तब्दील करना चाहिए। वो कहते हैं कि सरदार गृह को सरकार को खरीदना चाहिए, उसको अच्छी तरह रिकंस्ट्रक्ट कराना चाहिए और भारत को समर्पित करना चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सचमुच को लड़ाई लड़ी, एक योद्धा थे, एक लायन था देश का, एक अभिमान था देश का। सरदार गृह को जिंदा रखना जरूरी है। सरदार गृह लोकमान्य तिलक का मुंबई का निवास स्थान था और यहाँ उन्हें मिलने के लिए पूरी दुनिया के, पूरे देश के लोग आते थे, बड़े बड़े नेताओं लोग आते। क्या उनको खाना पीने खाने पीने का इंतजाम था, रहने का इंतजाम था। जब लोकमान्य तिलक जी वहां गुजर गए और तब से यहाँ उनका जो होने के बाद चौपाटी पर उनका ये अंतिम क्रिया किया। सिलम ने बताया कि सरदार गृह में अहम बैठकें होती थी। यहाँ तिलक ने आजादी की लड़ाई के दौरान योजनाएं बनाने के लिए कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की। लोकमान्य तिलक ने 1 अगस्त 1920 को सरदार गृह में ही अंतिम सांस ली थी। उनका अंतिम संस्कार सिरगांव चौपाटी में किया गया था। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़, इंडिया।